It's all about humanity. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं अंकित और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे कि आप लोग थंबनेल में पहले देख ही चुके हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। और आप लोगों ने बहुत दिखा, बहुत लोगों से तो फ्रेंड लोगों से सुना ही होगा कि जो ये अंडा होता है इसको ऐसा दाबने से कहीं टूटता नहीं है या ऐसा नहीं होता वैसा, आप इसको ऐसा करके नहीं तोड़ सकते कि ऐसा नहीं तोड़ सकते। तो मैंने सोचा आज इसका प्रैक्टिकली कर लूँगा, तो इसके लिए अपना एक जुगाड़ बनाया है। इसको रख के देखते हैं पहले, तो एक ऐसा रखेंगे इसको। और देखिए दोस्तों, ये कच्चे अंडे हैं और अभी हम आपको बॉयल अंडे के, जो कि बॉयल अंडों से भी करके दिखाएंगे कि ये वेट रखा हुआ है। देखिए 5 kg है, 2 kg है, 1 kg है और 500 ग्राम है। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर हमें ऐसे रख देंगे ताकि जिसके ऊपर हम वजन आराम से रख सकें। तो और इसके बाद हमने इसके ऊपर रख लिया है। तो अब पहले तो थोड़ा स्लाइड हो रहा है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वेट रखते हैं, 500 ग्राम है और ये 500 ग्राम को हमने इस पर रख दिया है। दोस्तों देखिए 500 ग्राम अंडा दोनों वजन सह चुके हैं और अब 500 ग्राम को हटाकर और अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे। और अब हम देखिए 1 kg है तो 1 kg को भी इस पर रखेंगे। देखिए दोस्तों, जो कि इतना वजन हो चुका है और अब बारी है इस 2 kg की। दोस्तों मुझे लगता है अब अंडे फूटने वाले हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि कितना वजन अंडे, जो कि दोनों अंडे सह चुके हैं और अब बारी है इसकी। तो दोस्तों मुझे लगता है इसको पहले मैं हटा दूं इन दोनों को, तो बाद में इसको रखेंगे। अब तो इसको हटा दिया है और अब रखेंगे इस 5 kg को। दोस्तों ये लगता है अंडा फूटने वाला है। ओफो, देखिए दोस्तों 5 kg भी रख दिया है और अब 5 kg के ऊपर हमने 2 kg भी रख दिया दोस्तों। ओफो, कमाल हो गया दोस्तों। देखिए 7 kg जो कि पूरा वेट टोटल हो चुका है, अब 7 kg की जगह और 1 kg इसमें और ऐड करेंगे। ओफो यार, 8 kg दोस्तों वजन हो चुका है और ये 500 ग्राम भी इसमें ऐड हो चुका है। देखिए दोस्तों, जो कि पूरा 8.5 kg वजन पूरा टोटल ऐड हो चुका है और अभी तक देखिए, आप देखिए अंडे जो कि बिल्कुल सही तरीके से रखे हुए हैं। और अभी मेरे पास जो कि वेट था वो इनफ था और इसके बाद मेरे पास है नहीं है, तो फिर भी मैं आपको इसको पूरा करके दिखाता हूँ जो कि एक कितना वजन है। फ्रेंड्स 5 kg हो गया है, 2 kg हो चुका है, 1 kg हो चुका है, 500 ग्राम भी वजन हो चुका है। तो अब मुझे लगता है, मुझे डर लग रहा है दोस्तों कहीं ये अंडे फूट ना जाएं। और देखिए तो दोनों अंडे के ऊपर मुझे लगता है आधा आधा वजन हो चुका है। इसमें आप यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा इसमें कितना है, इसमें कितना है। और ऐसा दोस्तों प्रयोग आप अपने घर पर भी ज़रूर प्रयोग करें। आप लोग तो अंडे वगैरह खाते होंगे, तो ऐसा आप अपने घर पर प्रयोग ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों ने ऐसा किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, और अब मैं इसमें और वजन ऐड करने जा रहा हूँ और ये 1 kg और है इसको मैं, अरे यार, अरे It's all about humanity. अंडे जा चुके हैं दोस्तों, जो कि ये दोनों अंडे फूट चुके हैं और अभी और भी वजन ये अंडे सह जाते, और जबकि ये वजन जो कि थोड़ा और ऐड करना था और कम से कम ये 8-10 किलो के लगभग और ये वजन अंडे सह जाते हैं। तो चलिए अब बॉयल अंडे का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये बॉयल अंडे हैं और कच्चे अंडे तो हम प्रयोग कर चुके हैं, अब बॉयल अंडे कितना वजन सहते हैं वो भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अपना सिस्टम जो कि रेडी कर लेते हैं और अपना सिस्टम जो कि है रेडी दोस्तों। तो पहले इस पे 5 kg रख लेते हैं
और आप 2 kg ऐड कर रहे हैं। अब 2 kg भी दोस्तों वजन ऐड हो चुका है और ये 1 kg भी दोस्तों ऐड हो चुका है और एक और 1 kg ऐड हो चुका है दोस्तों। देखिए 9 kg जो कि वजन बॉयल अंडे दो के सह चुके हैं और अब मैं इनको यहाँ पे रखूँगा। 500 ग्राम ये है दोस्तों, 500 ग्राम ये है। तो देखिए दोस्तों 10 किलो जो कि पूरा वजन दोस्तों ऐड हो चुका है और अभी 500 ग्राम का थोड़ी और बचा है और बाकी ये है 500 ग्राम ये है। तो इस पर भी देखो 500 ग्राम ऐड हो चुका है और 200 ग्राम और एक फूट। दोस्तों देखिए जो कि दोस्तों और ये कम से कम देखिए दोस्तों 5 किलो तक एक अंडा जो कि वजन सह लेता है। इसका मतलब है 5 kg तक एक अंडा वजन सह लेता है। तो ऐसा प्रयोग आप अपने घर पर भी ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए दोस्तों इससे प्रूव हो चुका है कि एक अंडा कच्चा हो या उबला हो वो कम से कम 5 kg तक वजन ले लेता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसा वीडियो अगर आप अपने घर पर ही बनाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं ऐसा वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसा प्रयोग आप अपने घर पर जरूर प्रयोग करें।